हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पूरा वीडियो हिंदी में करेंगे। आज जो हम DIY करने जा रहे हैं वो हमारी स्किन के पोर्स को क्लियर करेगी, हमारी स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देगी और हमारी स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगी। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या है। हमें चाहिए रहेगा मिल्क, ये फ्रेश मिल्क है, उबला हुआ नहीं है, कच्चा दूध है। ध्यान रखिए कि दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए। उसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून हनी और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है टमाटर। इन सारी चीज़ों का बेनिफिट और ये हमारी स्किन को क्या करता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक हैंड टॉवल ले लेना है और इसे अच्छे गुनगुने पानी में भिगो लेना है और हमें इसे अपने फेस पे स्टीम लेनी होगी। आप डायरेक्टली स्टीम भी ले सकते हैं बट ये जस्ट आसान तरीका है। ध्यान रखिएगा टॉवल ज़्यादा गर्म नहीं हो बिकॉज हमारी स्किन जल सकती है। एक कटोरी में हमें मिल्क लेना है, ये क्लोज टू 2 टेबल स्पून है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा। फिर हमें 2 कॉटन पैड ले लेना है, ठीक है, और उसको हमें उस कच्चे दूध में भिगोना है। उसके बाद हमें उस ही कॉटन पैड से अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में फेस क्लीन करना है। कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज़ वो हमारी स्किन को एक अच्छा ग्लो देता है और ये एक नेचुरल क्लेंजर है, यानी कि हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करता है। लिप्स के हिस्से को, नेक को तकरीबन 5 मिनट तक आप अपने फेस को इसी दोनों कॉटन पैड से जो दूध में डूबे हुए हैं उसको अच्छे से क्लीन करिएगा। उसके बाद वापस से जो हमने टॉवल यूज़ किया था हमारे फेस को स्टीम करने के लिए वो अब काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है तो उसी से हम अपने फेस साफ़ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास जो हनी है, जो एक टीस्पून हनी है, उससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें टमाटर के कोई भी हिस्से को ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रहे कि टमाटर का बीज उसमें रहना चाहिए। इसको हनी के अंदर अच्छे से, फिर उसके बाद टमाटर को सर्कुलर मोशन में घुमाइए। अगर आप ये अपने रूम में कर रहे हैं तो प्लीज़ टॉवल नीचे रख लीजिए बिकॉज ये थोड़ा सा मैसी होने वाला है। मैं रेकमेंड करूंगी कि ये DIY आप रात को करें बिकॉज़ रात को हमारी स्किन काफ़ी रिलैक्स होती है। इसको आप करीबन 5 से 10 मिनट के लिए अपने स्किन पे रहने दें और उसके बाद आप वॉर्म वाटर से अपना मुंह धो लीजिए। मैं अपना मुंह धो के वापस आती हूँ आपके पास। मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है वॉर्म वाटर से और अब अगर आप देख सकते हैं तो मेरी स्किन एकदम क्लियर और स्मूथ लग रही है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक आइस क्यूब लेना है या तो फिर मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक टोनर बनाना सिखाया था जो मैं अब उसको आइस फॉर्म में टोनर के जैसे यूज़ कर रही हूँ। इसे हम ड्राई होने देते हैं और उसके बाद हम अपना नॉर्मल स्किन केयर रूटीन करेंगे। हमारी स्किन ड्राई हो चुकी है और अब हम मॉइस्चराइज करेंगे और हमारा सीरम लगाएंगे। उसके बाद मैं अपना विटामिन ई सीरम लगाऊंगी। ध्यान रहे आप अपने फेस को मसाज ज़रूर करिएगा क्योंकि मसाज से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपके स्किन में एक टाइटनेस आती है जो एक अच्छी ग्लो भी देती है। DIY बहुत ही आसान था।
और अगर आप ये रोज़ करेंगे तो आप अपने स्किन में एक डिफरेंस ज़रूर देखेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल एंड टेक केयर।